वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर देश को मिल सकती है, लेकिन अब देखना यह है कि यह समय कब तक आता है। इस बीच जो हालात दिखाई दे रहे हैं जमीन पर, वो बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको मैं यहाँ चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। ब्रेक से पहले हम देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते केसेस पर बात कर रहे थे, और सवाल ये था कि फेस्टिव सीजन में ऐसा होगा, इसकी आशंका तो पहले से ही थी, लेकिन क्यों सरकारें वहां पर कड़े कदम उठाने से पिछड़ गई? और ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, हाल तो राजस्थान में भी ऐसा है जहां आपकी सरकार है। मीनाक्षी, थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि मैं तकनीकी कारणों से देर से जुड़ पाया। एक बड़ा पुराना सा शेर था कि बात से बात की गहराई चली जाती है और झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली की बात करें या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बात करें, तो निश्चित तौर पर कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी और शुरुआती जिम्मेवारी केंद्र सरकार की गाइडलाइनों को राज्य सरकारों ने माना। आप देखिए कहां किस तरीके से केंद्र सरकार अपनी सारी की सारी जिम्मेवारी धीरे धीरे राज्य सरकार, अपनी फेलोरिटी की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर, और जो पास हो रहे हैं वो केंद्र सरकार पर। अभी हर्षवर्धन जी को सुन रहा था मैं, तो उन्होंने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण की। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा फेटलिटी रेट बहुत सबसे दुनिया में कम है। हर्षवर्धन जी, थोड़ा पढ़ लिख करके आया करें। सच बात यह है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका का मोर्टेलिटी रेट हमसे कम है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझें और इस चीज के लिए पीठ ना थपथपाएं। आप अपने नेबर्स से भी बहुत पीछे हैं, एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस समय केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ा गलत काम किया हुआ है, मीनाक्षी, आपके माध्यम से राजनीतिक चर्चा नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि कोरोना के नाम पर केंद्र सरकार ने आम जनमानस को डराया है, जिसकी वजह से उस डर से कहीं ना कहीं लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और इम्यूनिटी कमजोर वालों को रोग अटैक करते हैं। अब आप आइए इसकी इस बात पर कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं और केंद्र सरकार क्या कर रही है। एक राज्य सरकार कोई बता दे जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन ना मान रही हो। अगर गाइडलाइन केंद्र सरकार की है मान रहे हैं, तो फिर हमको राज्य सरकार को नहीं, लेकिन लोग डर का रहे हैं सड़कों पर। आप देखिए ना, जितनी भीड़ निकल रही है, आपको लगता है लोग डर रहे हैं? लोग कहां डर रहे हैं? बाजारों में जितनी भीड़ है, आपको लगता है कि लोग डर रहे हैं? मैं इसका जवाब दे, मीनाक्षी, आप स्वयं एक हिंदुस्तान की प्रसिद्ध प्रस्तोता होने के साथ साथ एक आम नागरिक भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप घर पे बैठ जाएंगी तो क्या आपको तनख्वाह दे देंगे आज तक वाले? आपका खाना खर्चा चल पाएगा? अरे सर, और आप जो एनालॉजी दे रहे हैं वो कम से कम है, जो तुलनाएं हम दे रहे हैं, कम से कम उन तुलनाओं का कोई अर्थ होना चाहिए। जो लोग आपको त्योहार के वक्त में बाजार में एक भीड़ के तौर पर दिखाई दे रहे थे बिना किसी प्रिकॉशन के, उनके उनके मन में आपको कोई डर या गाइडलाइंस के प्रति ऐसा लग रहा था कि उनका रुझान है? सवाल यहाँ पर ये बनता है, विजेंद्र गुप्ता जी, ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लोगों को सिर्फ डराने का काम किया, लेकिन जो कदम उठाने चाहिए थे उसमें सरकार चूकी है।